की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत नदी, जलप्रपात और आपकी झीलें। हमने यहाँ पर 60 प्रश्न लिए हैं, सभी प्रश्नों को मैप के माध्यम से पढ़ना है। लगभग 50% आपको मैप से रटा देंगे और 50% आपको खुद से यहाँ पर प्रश्नों पर फोकस करना है और उनको देखना है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। रात 9 बजे आपको हिंदी का फुल टेस्ट भी कराता है, तो आप फुल टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। ज्वार नदमुख बनाती है तो याद रख, जिसे बोलते हैं हम लोग एस्चुरी, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपका ये प्यारा भारत है, ठीक है, और आपकी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, देखिए आपका ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी की मुलताई पहाड़ी से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समांतर 724 किलोमीटर की लंबाई से ये महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं गुजरात मैदान के पास पार करती हुई आपके अरब सागर में आती है। ये आपका कौन सा सागर है? अरब सागर। तो आपको समझ आया ना, समझ में आया कि ये जो आपकी निकलती है मुलताई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और आपके अरब सागर में गिरती है। और ये आपकी ऐसी है जो ज्वार नदमुख बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। समझ में आ गया? चलिए, यहां पर इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, आपकी ये ताप्ती नदी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि निम्न में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, आपका ये कौन सा भारत का राज्य है, बताइए भाई। तो यहाँ पर याद रखिएगा, लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत ढेर सारी झीलें हों। तो आपके हैं कहाँ? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ की जो आपकी झील है नैनी, इसी के अनुसार इस जिले का नाम भी नैनीताल पड़ा गया था। नैनी जो झील है, इसी के नाम पर इस जिले का नाम भी नैनीताल पड़ा है। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके नैनीताल, ठीक है, जो कि आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया पर कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पिछली बार 2018 में UPPCS में पूछा गया था। तो यहाँ पर कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए भाई यहाँ पर। तो याद रखिएगा, ये आपकी किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, ठीक है, शरावती नदी में है। और कावेरी नदी की सहायक नदी है आपकी, जो आपकी शरावती नदी, ठीक है। और कह सकते हैं इसका एक अन्य नाम है जोगप्रपात का, क्या नाम है? गरसोप्पा, या कह सकते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 253 मीटर है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात था वो आपका जोग प्रपात है, लेकिन 2018 में UPPCS में आपका जो 2018 में सबसे ऊंचा कर दिया गया है, अर्थात कह सकते हैं वर्तमान में जो सबसे ऊंचा है भारत का वो है आपका कुंचिकल। कौन सा है भाई? कुंचिकल जलप्रपात है, याद रखिएगा, ये रट लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर आपका इसका 3 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बताइए भाई भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है यहाँ पर। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी झील आपका ये भारत है, ठीक है, और भारत में आपकी यहाँ पर पड़ता है केरल, ठीक है, और केरल के इसी तट पर स्थित है आपकी वेम्बनाद झील, ठीक है। कौन सी? वेम्बनाद झील। एक झील आपकी होती है पुलिकट झील भी है आपके केरल में, और एक आपकी है वेम्बनाद झील। और ये वेम्बनाद झील अर्थात एक द्वीप स्थित है, ठीक है, उस द्वीप में आपकी कह सकते हैं कि जो वेम्बनाद झील है ये आपकी भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो गई? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वेम्बनाद झील है, ठीक है। ये आपकी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, और वेलिंगटन द्वीप में आपका प्रति वर्ष जो खेल महोत्सव होता है आपका कौन सा? नौकायान, वो आपकी इसी झील पर होता है। और खेल के क्षेत्र अर्थात नौकायान के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार होता है उसे बोलते हैं वेलिंगटन पुरस्कार। समझ में आ गया ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख वही हो गया, एस्चुरी बनाती है। देखो, डेल्टा और एस्चुरी को समझ लीजिए, बार बार आप कंफ्यूज होंगे।
जैसे कि मान लीजिए कोई नदी आपकी यहाँ से आती है और अगर वो पानी के बराबर आती है, कचड़े बहा कर ले आती है, तो ये आपका डेल्टा होती है। लेकिन जो प्रपात बनाती है, प्रपात या एस्चुरी, वो आपकी ये होती है, जो ऊंचाई से गिरती है वो प्रपात बनाती है, लेकिन जो बराबर में आती है उसे डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो आपकी ऐसी नदी कौन है जो एस्चुरी कह सकते हैं, प्रपात जैसा निर्माण करती है, ये आपकी कौन सी है? तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नर्मदा। जिस प्रकार से ताप्ती नदी है उसी प्रकार से नर्मदा नदी है, ये भी आपकी ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। अब बात आती है कि नर्मदा नदी से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी मालवा पठार की अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर विंध्य पर्वत, यहाँ पर आपका विंध्य पर्वत है, नीचे है आपका सतपुड़ा पर्वत, तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये आपका पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर आपकी आती है और आपके अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना, और ये अपने मुहाने पर ज्वर नदमुख का निर्माण करती है। समझ में आ गया ना, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी आपकी नदी कौन सी है, तो ये भी आपकी कौन सी है, यहाँ पर नर्मदा नदी ही है। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? बताइए भाई कौन सी नदी है, ये है आपकी बेतवा नदी, जो गंगा यमुना में अर्थात पहले मिलती है यमुना में फिर आपकी जाती है गंगा में। तो कहाँ से निकलती है, तो याद रखिए जो आपका ये भारत है तो इसमें से बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत से निकल कर हमीरपुर शहर के कुमार गाँव नामक स्थान पर यमुना के दाएँ तट पर मिल जाती है, और यमुना आपकी मिलती है गंगा में। इस प्रकार से ये नदी गंगा यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है, आपकी बेतवा नदी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहा आपसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, बताइए भाई क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आ जाती है। कौन सी? बंगाल की आपका देखिए जैसे आपका यह भारत है, तो यहाँ से दामोदर नदी निकलती कहाँ है, तो दामोदर नदी जो आपकी है इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और आपकी बंगाल से होते हुए जाती है, तो इसमें बाढ़ के कारण अर्थात रिवर्सा ऋतु में बाढ़ के कारण यहाँ पर भयंकर तबाही हो जाती है, इस कारण इसे कह सकते हैं कि बंगाल का शोक कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पर कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जवाब दीजिए भाई। तो याद रखिए प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये नदी है आपकी ऑप्शन आपकी बी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ये कुल मिला के देखा जाए तो आपकी कितनी किलोमीटर है, 1665 किलोमीटर आपकी है। या महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकल कर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित, अर्थात यहाँ से आपकी होती है पूरब की ओर जाती है। ठीक है, पूरब की ओर जाती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है दक्षिण भारत की, आपकी ये है गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा या बृद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा या बृद गंगा के नाम से जाना जाता है। किसे? गोदावरी को। आया समझ में भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम क्या हैं? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप लोग हिमालय पर्वत की कुछ आपकी होती हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत की आपकी गंगा नदी है, तो आपके उत्तराखंड के पास से होकर आपकी गंगा नदी निकलती है, तो आपकी सबसे पहले आपकी आती है भागीरथी। ठीक है, उसी में आपकी मिलती है अलकनंदा। कहाँ मिलती है? तो आपकी देवप्रयाग में मिलती है। जब देवप्रयाग में मिलती है तो इसके बाद जब निकलती है तब आपका गंगा कहलाती है। गंगा का सबसे गहरा स्थान आपका कौन है? आपका देवप्रयाग ही है। ठीक है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बसा हुआ है। इसके बाद ये आपकी यूपी से होती हुई ये आपके निकल के जाती है बिहार में भी पहुंचती है। ठीक है, आपके फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले एक शाखा हो जाती है जो कि आपकी कोलकाता में है, हुगली नदी, वे गंगा की ही एक शाखा है। ठीक है ना, तो ये गंगा जब पहुंचती है बांग्लादेश में तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गंगा जो पहुंचती है आपके बांग्लादेश
देश में किस नाम से जानते हैं, उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और इधर से ब्रह्मपुत्र जब आ जाती है तब आपकी यही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है ना। तो ये अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है, देवप्रयाग। अभी समझ लीजिए क्योंकि लगभग हम 15-20 क्वेश्चन में समझाएंगे, इसके बाद फटाफट आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपसे, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तो भाई तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली आपकी नदी कौन सी है, तो ये नदी आपकी है ब्रह्मपुत्र। अब बात आती है ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी जो आपकी है कहाँ से कहाँ होती है, तो देखो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में आपकी एक मानसरोवर झील है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और आपकी यहाँ से होती हुई अर्थात तिब्बत में जब जाती है इसे सांगपो कहा जाता है। ये आपकी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग दिहांग कहते हैं। दिहांग के बाद ये जब असम में आती है धुबरी के पास, जब असम में पहुंच जाती है तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। कहां पर, जब ये पहुंच जाती है असम में, और इसके बाद जब असम से प्रवेश करती हुई आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं भाई, जमुना बोलते हैं। इस प्रकार से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी देखो तिब्बत में आई, और तिब्बत मतलब आपका देखो ये क्षेत्र जो है चाइना में, ठीक है, इधर आपके भारत में, इधर आपके कह सकते हैं बांग्लादेश, अर्थात ये तीन आपके देशों से होकर बहने वाली नदी है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली, वही दोबारा रिपीटेड हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्नांकित में कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है, तो इसको भी समझ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके ढेर सारे पूछने को मिलते हैं। तो ये आपका भारत है और ये दक्षिण भारत में, ये आपका है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर आपका यहाँ पर तमिलनाडु, तो इसके पास आपकी जो झील है वो आपकी है पुलिकट झील। कौन सी है, पुलिकट झील, अर्थात आपके आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, इन दोनों के साझे पर आपकी ये झील कौन सी है, आपकी पुलिकट झील है, याद रखिएगा। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी से जो अलग करती है वो श्रीहरिकोटा अलग करता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है पुलिकट झील, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है, अरब सागर कौन है, ये आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, तो भाई अरब सागर में नहीं गिरती कौन सी, तो ये आपकी कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। हमने आपको बताया कि कावेरी नदी कर्नाटक के कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल कर ये कावेरीपत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में जाती है। वहीं पर देखा जाए पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी कहाँ पर आती हैं, अरब सागर में आती हैं, लेकिन कावेरी नदी आपकी कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी नदी में एक तमिलनाडु में एक प्रपात है जो जलप्रपात है, इसे विद्युत का निर्माण किया गया था, शिव समुद्रम प्रपात जो कि भारत का पहला जलप्रपात है, ठीक है, जिससे बिजली बनाई गई थी, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि तमिलनाडु में है आपके कावेरी नदी में। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, देखो की शब्द यहाँ भी है और की आपकी कावेरी में है, तो देखो दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा में अंतर है, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं और दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को, का शब्द यहां पर है, का आपके कावेरी में, इस प्रकार से याद हो सकता है आपको, बी नंबर आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कयाल क्या है, कयाल क्या है, जवाब दीजिए भाई, कयाल क्या है, तो कयाल क्या होता है इसको भी समझिए, कयाल, तो कयाल क्या है, ये केरल के लैगून है, मतलब कि जो समुद्र की किनारे जमीन स्थित होती है, ठीक है, तो ये किनारे जैसे आपकी झीलें हैं इनको हम लोग अनूप झीलें बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो केरल के पास आपकी स्थित है, ठीक है, तो उनको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर कयाल, जैसे कि पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी कयाल, बिम्बनाथ कयाल, ये आपकी होती है, अर्थात जो केरल में, केरल की जो लैगून झीलें हैं उनको कयाल के नाम से जानते हैं, जैसे आपकी पेरियार झील हो गई, बिम्बनाथ झील हो गई, ये सब आपकी कह सकते हैं कि लैगून झीलें हैं, लेकिन इनमें से इनको बोला जाता है कयाल, ठीक है, तो आपकी केरल के लैगून पर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो भाई सिंधु नदी जो कि आपकी हिमालय पर्वत की ये नदी है, ये भी आपकी मानसरोवर झील से निकलती है,
इसके बाद ये आपके यहाँ पर ले से होके ऐसे निकल के जाती है और इसके बाद ये आपकी कहाँ पर अरब सागर में गिरती है, कौन सी, सिंधु नदी। मतलब सिंधु नदी आपकी कैलाश पर्वतमाला में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसका अपवाह अर्थात भारत में कितनी बहती है तो 700 किलोमीटर बहती है और ये पाकिस्तान को सिंचित करते हुए मकरान तट पर अरब सागर में जाकर लुप्त हो जाती है, कौन सी, सिंधु नदी। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है भाई, ये निकलती है आपकी 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपकी कैलाश पर्वतमाला से निकलती है, कैलाश पर्वतमाला में स्थित है मानसरोवर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जब वे प्रवेश करती है तब इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपके ऑप्शन बी दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है। रजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो याद रखिए रजरप्पा है एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, अत्यंत प्राचीनतम एक मंदिर है, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, ये आपका यहीं पर स्थित है और रजरप्पा जलप्रपात यहाँ का मुख्य आकर्षक केंद्र है। ये झारखंड राज्य के रामपुर जिले में दामोदर व भैरवी या कह सकते हैं भेड़ा नदियों के संगम पर है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन दो देशों से, किन किन देशों से गुजरती है। तो हमने बताया ब्रह्मपुत्र जो आपकी निकलती है तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत के बाद आपकी कैसे, तिब्बत जो आपका कौन सा, चीन एरिया हो गया, फिर भारत, फिर आपकी बांग्लादेश। देखो म्यांमार में तो जाती नहीं है, ठीक है, और आपकी कह सकते हैं भूटान में जो आपका है नेपाल, यहाँ नहीं जाती है, यहाँ म्यांमार में नहीं जाती है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बचा यहाँ पर, सी चीन में जो तिब्बत है, फिर भारत, फिर आपके बांग्लादेश, आपको हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। देखो हमने मैप से बता दिया, अब आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो देखिए आपका जैसे कि मान लीजिए भारत है तो ये वाला एरिया जो आपका राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर एक नदी है लूनी नदी, कौन सी नदी, बीस का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिणी पश्चिमी अरावली श्रेणी से निकलकर या अरावली के समांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई आपके कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, लूनी नदी, ठीक है, इसे अंतःस्थली नदी भी कहते हैं और ये मतलब इसका पानी इतना कम हो जाता है कि समुद्र में मिल ही नहीं पाती है, पानी वहीं समाप्त हो जाता है, इसे बोलते हैं दलदल में समाप्त हो जाती है। तो आपकी एक महत्वपूर्ण नदी है जो मरुस्थली में लूनी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, लोकटक है एक, तो लोकटक क्या है भैया, तो लोकटक क्या है इसको भी समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बना के जाती है हर बार एग्जामों में। तो देखिए ये पूर्वोत्तर आपका क्षेत्र है मणिपुर, कहाँ है, मणिपुर। मणिपुर में एक झील है जिसे बोलते हैं लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील है और इसी झील के बीच में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है केबुल नाम जाओ। केबुल नाम जाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर में लोकटक झील में। ठीक है, तो लोकटक क्या है, एक झील है, ऑप्शन आपका सी। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील आपकी लोकटक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए ज्योग्राफी हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, जब भी हम पढ़ाते हैं ज्योग्राफी को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप अगर प्यार से पढ़ लिया तो एक बार में पढ़ने में आपका उद्धार हो सकता है। हम लगभग जितने भी वीडियो आपको 10 से 5 वीडियो आपको अपलोड करेंगे, अगर एग्जाम के पहले अपलोड कर पाए गए पूरे तो 100% आप एक भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, यहाँ पर आपसे 22 नंबर है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो देखो यहाँ पर हमने अभी बताया था कि हिमालयी नदियों में तो आपकी जो मानसरोवर झील है यहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, एक सिंधु नदी निकलती है, एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और एक आपकी नदी निकलती है सतलज नदी जो कि आपकी चिनाव में आती है, चिनाव बाद में सिंधु नदी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कौन सी नदी, सतलज नदी, कौन सी भाई, सतलुज नदी है। सतलुज नदी जो आपकी आती है वो कहाँ से आती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सतलुज नदी का उद्गम है कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राकस ताल। ठीक है, कहाँ से, राकस ताल से निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर और इसी में भाखड़ा नांगल बांध जो आपका बना है इसी नदी पर बना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो भाई चंबल नदी जो आपकी प्रवाहित होती है वो आपकी किन नदियों से प्रवाहित होती है, तो आपको बता दें, जैसे कि मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक है, तो ये चंबल नदी आपकी निकलती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य श्रेणी से निकलकर वहाँ पर एक जगह है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी में मिलने से पूर्व ये कहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई आपके लगभग इटावा के पास आके मिल जाती है, ठीक है, तो आपकी यूपी एमपी और राजस्थान से होकर आपकी आती है कौन सी, ये चंबल नदी। तो 23 का ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। याद रखिए चंबल नदी पर आपके 3 बांध बने हैं, एक गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ठीक है, ये इसी नदी पर इसी में बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील अर्थात खारे पानी की जो झील है ये आपकी कहाँ पर स्थित है सांभर झील? तो सांभर झील राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के समीप स्थित एक लवणी, ये कह सकते हैं खारे पानी की झील है, ठीक है, और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील अर्थात लैगून झील आपकी कौन हो जाएगी, जो समुद्र किनारे होती है, और समय दुकनारे आपकी झील है चिल्का झील, और चिल्का झील आपकी कहां पर है, तो भाई चिल्का झील आपकी कहां पर है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में ये आपकी लैगून झील है अर्थात किनारे है, ये भी खारे पानी की सबसे बड़ी है लेकिन कैसी, लैगून झील है, ये समझ में आ गया। अब देखो आपको फास्ट तरीके से जितना आपने पढ़ लिया है इसको लगभग हम आपको 8-10 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, पूरी की पूरी नदियां आपको देखने को रिपीट हो जाएंगी, फटाफट आंसर आप लगा सकते हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब काफी मेहनत करने वाले हैं। नेक्स्ट कर आपसे क्वेश्चन, गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी उदाहरण है भाई, तो किसका उदाहरण है, ये आपका है पूर्ववर्ती अपवाह का है, अर्थात गंगा नदी कहाँ जाती है, तो आपकी पूरब की ओर तो जाती है ऐसी इस एरिया में, तो पूर्ववर्ती अपवाह अर्थात पूरब की ओर बहने वाली एक नदी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है, तो पद्मा बोला जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आपकी पद्मा कहलाती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो कितनी है, तो आपकी 6000 मीटर तक आपकी होती है, ठीक है, आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी, तो मंदाकिनी आपकी आती है, ये भी आपके अलकनंदा में ही मिलती है, ठीक है, और कह सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ा था देवप्रयाग, उसी प्रकार के 5 प्रयाग हैं, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है, 5 प्रयाग हैं, तो आपकी मंदाकिनी भी आपकी आती है, अलकनंदा में मिलती है, तब आपकी कह सकते हैं नंदाकिनी वहाँ पर एक प्रयाग बनता है जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि उस नदी का नाम बताएं जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो आपकी ये है आपकी मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी जो बहती है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर आपने सुना होगा, ये स्थित आपके अलकनंदा तट पर, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी अर्थात भारत की सबसे बड़ी जो आपकी नदी है वो आपकी गंगा नदी है, ए नंबर, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर है आपका कानपुर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखो हमने पहले मैप से बताया है फिर आपको यहाँ पर स्पीड में बता रहे हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा किनारे स्थित आपका शहर कौन सा नहीं है? तो ये भाई आपका उत्तरकाशी, आपका गंगा नदी के किनारे नहीं स्थित है।
नेक्स्ट करें आपसे भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी निकलती है आपके गोमुख से, कहाँ से, गोमुख से, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है को चिन्हित कीजिए, तो भाई गंगा की एक सहायक नदी आपकी कौन, ये है आपकी सोन नदी, कौन सी, सोन नदी है, जो आपको देखिए मैप के माध्यम से बता दें कि यहाँ पर आपकी जो अमरकंटक है पहाड़ी है वहाँ से आपकी एक नदी यहाँ जाती है, एक नर्मदा निकलती है, ठीक है, तो यहाँ से एक नदी जो सोन नदी है ये भी आपकी कह सकते हैं गंगा में आके मिलती है। दक्षिण भारत से उत्तर की ओर आने वाली एकमात्र नदी आपकी है कौन सी, सोन नदी, जो गंगा में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो देखो बेतवा भी है, चंबल है, केन है, लेकिन राम गंगा है आपकी गंगा नदी की, इस प्रकार से आपकी कौन सी नहीं है, तो राम गंगा नदी आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए, यमुना नदी का उद्गम स्थान आपका है बंदरपूछ नामक, उत्तराखंड की उत्तरकाशी के बंदरपूछ से है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है, यमुना नदी से नहीं मिलती है, तो आपकी यमुना नदी से नहीं कौन मिलती, सोन नदी आपकी नहीं मिलती है, वहीं पर केन नदी, बेतवा, चंबल सभी मिलती है यमुना से, लेकिन सोन नहीं मिलती है, आपकी गंगा से मिलती है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, गंगा की सहायक नदी जो कि उत्तर वाहिनी है वो आपकी कौन सी, सोन नदी, हमने बताया कि उत्तर की ओर आके मिलती है। नेक्स्ट कर आपसे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो आपकी कौन सी है, तो कौन सी है, देखो ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु नदी है, ये सभी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है और कह और आपके पूछे गए क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मानस नदी किस नदी की भाई उपनदी है, कह सकते हैं सहायक नदी है, तो यह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस नदी, ठीक है, असम के पास है। नेक्स्ट आपसे ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत में जानी जाती है आपके सांगपो के नाम से, ठीक है, सांगपो के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र नदी बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र बहाव क्षेत्र आपने बताया कि आपके तिब्बत में, बांग्लादेश में और आपके भारत, इन तीन देशों से होकर आपके बहती है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो आपके एक ही बिंदु लगभग आपके कौन है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी की जो आपकी हैं वो आपकी मानसरोवर झील से ही निकलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो भाई डेल्टा का निर्माण कौन सी नहीं करती, तो आपकी नर्मदा नदी नहीं करती है। अगर नर्मदा नदी हो, ताप्ती नदी हो, दोनों ऑप्शन में अलग अलग हो, तो आपको सबसे पहले नर्मदा को लगाना है आंसर, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन घुमा देता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है कौन सी, आपकी तापी नदी। देखो यहां पर आपकी वो नहीं दी गई नर्मदा, तापी दे दी गई है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है, नर्मदा बेसिन का भाग है आपका कौन सा जनपद, तो ये है आपका राजनंदगांव, ठीक है, राजनंदगांव आपका है। नेक्स्ट कह आपसे अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम है, अमरकंटक, तो अभी बताया था कि अमरकंटक की आपकी जो नदी निकलती है वो आपकी नर्मदा नदी आपकी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, उसका भी जवाब आपका डी हो जाएगा, अमरकंटक। नेक्स्ट कर आपसे कौन सी नदी रिप्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो रिप्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली आपकी कौन सी है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नर्मदा। हम मानते हैं कि आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको हमने स्टार्टिंग बता दिया है, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच आपके बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा। हमने बताया बिंध पर्वत और आपके सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है नर्मदा, और आपके सतपुड़ा और अजंता के बीच से बहती है आपकी कौन सी, तापी नदी। दोनों याद रखिए, बिंध और सतपुड़ा के बीच बहती है नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता के बीच बहती है आपकी कौन सी, ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि निम्न से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, ये नदी आपकी है कौन सी, ऑप्शन आपका बी, नर्मदा नदी है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, अरब सागर में, तो भाई अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो अरब सागर में आपकी ताप्ती नदी है। देखो गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये सभी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, लेकिन ताप्ती नदी आपके अरब सागर में गिरती है।
नेक्स्ट करें आपसे, निम्न में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो भाई बंगाल की खाड़ी में ना गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। 206 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्री राम रंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो अभी हमने आपको बताया था कि ये है आपकी कावेरी नदी, जहाँ पर शिव समुद्रम जलप्रपात आपका होता है। नेक्स्ट करें आपसे, कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गम होता है कावेरी नदी और तमिलनाडु से जाते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कावेरी नदी आपके देखो कर्नाटक से निकलती है, फिर थोड़ा सा केरल में जाती है, फिर तमिलनाडु होते हुए आपकी जाती है बंगाल की खाड़ी में। अगर एक ऑप्शन आपको और भी हो जाता कि कौन सा, पुदुचेरी, तो भी आपके यहाँ पर ऑप्शन हो जाता, क्योंकि वहाँ पर एक पुदुचेरी भी है आपके तमिलनाडु में, ठीक है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं गया है। नेक्स्ट करें आपसे, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? भारतीय नदियों में एस्चुरी बनाती है कौन सी? तो ये आपकी बनाती है 210 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट करें आपसे, निम्न नदियों की लंबाई के हिसाब से, देखो यहाँ पर दिया है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम बताइए। तो भाई सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो आपकी है गोदावरी, फिर आपकी नर्मदा, फिर महानदी, फिर आपकी ताप्ती। ऑप्शन आपका बी, सबसे बड़ी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर आपकी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सोनकामा नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, तो याद रखिएगा अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ, सोन नदी, नर्मदा नदी और आपकी महानदी निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वो आपकी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। भाई यहाँ पर आपकी ये भिन्न है, कोई एक भिन्न होगा, जवाब अच्छे से दीजिएगा, काफ़ी मेहनत किया है और आपको अगर लगा है कि मेहनत किया है तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे।